हेलो, कैसे हैं आप सभी? आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं अरबी के पत्ता का पकौड़ा बनाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पत्ता को अच्छी तरह धोकर रख लिए हैं। पहले इसका इस तरह इसका हार्ड हिस्सा को काट कर इस तरह चाकू की मदद से निकाल लेंगे। यहाँ पर निकल गया। इसी तरह सभी को मैंने यहाँ पर इसका भी काट कर निकाल लेंगे। सही पत्ते का यहाँ पर रेशा निकाल कर रख लिए हैं। पकाने के लिए हमें मसाले की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर 200 ग्राम चावल के आटे रखे हैं। आप कोई भी आटा ले सकते हैं, बेसन ले सकते हैं। गेहूं के आटा को छोड़कर आप मैंने लहसुन का पेस्ट बना कर रखे हैं। धनिया पाउडर है, हल्दी का पाउडर है, इसी में जीरा है, लाल मिर्च का पाउडर है। अब क्या खाते होंगे तो कुछ ज़्यादा रखिएगा, 2 चम्मच। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच रखे हैं। हरा मिर्च है 2 कटे हुए, इसको बारीकी से काट लेंगे। अब इसमें सारे मसाले को ऐड करेंगे। जीरा पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया है, लहसुन का पेस्ट है, लाल मिर्च पाउडर है, कटे हुए हरा मिर्च रखेंगे, हरा मिर्च रखेंगे, इसके बाद नमक रखेंगे स्वाद के अनुसार। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इसके बाद पानी रखकर इसका घोल घोल किस तरह तैयार कर लेंगे। ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे, नहीं ज़्यादा पतला रखेंगे। तो चलिए बनाते हैं। पत्ता को मैं इस तरह इस तरह करके मैं सारे को पत्ता पर इस तरह लगा लेंगे। इसके बाद दूसरा पत्ता को इस तरह रखकर इस पत्ते को भी मैंने लगा लिए हैं। इस तरह लहर करके 4 से 5 पत्ते को मैं इस तरह लगा लेंगे। लगाने के बाद दोनों तरफ से इसको मैं लेंगे, इस साइड से भी मोड़ लेंगे, नीचे के साइड से भी इस तरह मोड़ लेंगे। इस तरह लगा लेंगे, इस तरह दोनों साइड लगा लेंगे। दोनों साइड मैंने लगा लिए हैं। इस साइड से भी इसको इसको इस तरह से हल्के हाथों से इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं। इस तरह से फोल्ड करेंगे
इसको धागा से बांध लेंगे। दूसरा भी इस तरह तैयार कर लेंगे। यहाँ पर दो बिठरी बनाकर तैयार कर लिए हैं। धागा से बांध देने पर इसे खुलता नहीं है। चलिए तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे भाप से सिझाएंगे। ऊपर 2 कप पानी रखे हैं। इसमें स्टैंड रखेंगे। इसके ऊपर इस तरह करके इसको रखेंगे। इसमें पानी नहीं लगनी चाहिए। भाप पर, भाप की सहायता से पकेगी। इसे ढककर 7 मिनट तक इसको पकाएंगे। इसमें चेक करते ही 7 मिनट हो चुका है। आटा चम्मच के मदद से चेक कर रहे हैं। इसमें लग जा रही है, ये हो चुका है। गैस अब बंद कर देंगे। इसे बर्तन में इसको रखकर 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। इसको हल्के हाथों से निकालेंगे। धागा काट कर निकालेंगे। ठंडा हो चुका है। इसको यहाँ से इस तरह काटेंगे। इस तरह के शेप में कट कर रख लेंगे। चलिए बनाना फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तेल गर्म हो चुका है। कटे और कट को इस तरह रख लेंगे। दोनों तरफ पक चुका है। इसे मैं निकाल लूंगा। बचे इसको इस तरह निकालेंगे।